अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस चैनल। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है रिसर्च का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। तो चलिए देखते हैं कि पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग क्या है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और जो सैम्पल है ये मोस्ट बेसिक कंसेप्ट हैं रिसर्च के, तो इसीलिए इनके कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है आप सबके लिए। तो पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन एक लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर रिसर्चर ने अपनी स्टडी को अप्लाई करना होता है या जिनसे रिसर्चर ने अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करना होता है। लाइक आप रिसर्च कर रहे हो स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, लॉयर्स पे, डॉक्टर्स पे, तो ये सारे जो टीचर डॉक्टर्स हैं ये सारे आपकी पॉपुलेशन हैं। ऑल स्टूडेंट्स हैं, ऑल टीचर्स हैं, ऑल जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं या पेशेंट्स हैं किसी हॉस्पिटल में, वो सारे पॉपुलेशन हैं। तो इसी तरह एग्जांपल अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, दिस इज़ पॉपुलेशन। तो टोटल पेशेंट ऑफ DHQ डायग्नोज विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर, तो ये भी सारे पॉपुलेशन हैं। एग्जाम्पल पॉपुलेशन को हमने पहले डिस्कस किया कि ऑल जो स्टूडेंट्स हैं, ऑल पेशेंट हैं या ऑल फीमेल हैं, मेल हैं, जो भी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारी आपकी पॉपुलेशन हैं। और अब पॉपुलेशन जो है उसमें से उसका सब सेट और सब ग्रुप जो होगा वो आपका सैंपल होगा। लाइक आपके पास कॉलेज के स्टूडेंट हैं 1000 हैं, 2000 हैं, तो आप उनमें से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जब आप लोगे एज अ, तो वो आपका सैंपल होगा। DHQ में जो डायग्नोस डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, अगर वहाँ पर आपके पास 500 पेशेंट हैं, तो आप उनमें से जब 200 का सब ग्रुप बनाओगे तब वो आपका सैंपल होगा। तो इसीलिए सैंपल जो है ये मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है रिसर्च का। इसी सैंपल की बेस पे हमने, इसी जो सैंपल को हमने सेलेक्ट किया है इसी से हमने डाटा लेना होता है। और इसी तरह सैंपलिंग जब हम करते हैं तो सैंपलिंग को भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि सैंपलिंग क्या है। तो सैंपलिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने अपना सैंपल को सिलेक्ट करना होता है पॉपुलेशन में से, कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से आपने सैंपल को सिलेक्ट करने का जो भी सारा प्रोसेस है वो सैंपलिंग कहलाता है। इसी तरह सैंपलिंग की भी 2 टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो कि मोस्टली रिसर्चर यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है ये रैंडमली सिलेक्ट की जाती है पूरी पॉपुलेशन में से। रैंडमली हम लोगों को, इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं, और इन यहाँ पर क्या होता है कि एवरी पर्सन के पास इक्वल चांस होते हैं वो सिलेक्ट होने के। तो ये एक्यूरेट सैंपल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है ये बेस्ट है। तो इसके भी वेरियस टाइप्स हैं। सबसे पहले है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड क्लस्टर सैंपलिंग। नाउ वी मूव ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है ये जहाँ पर हम जजमेंट के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सैंपल जो है वो पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर किसी के पास भी इक्वल चांस नहीं होते सिलेक्ट होने के। अपने जजमेंट और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर हम लोगों ने जो सैंपल है वो सिलेक्ट करना होता है। सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जिनमें हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पजिव एंड जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। तो यहाँ तक थे, हमने डिस्कस किया सैंपल को, पॉपुलेशन को, सैंपल को और सैंपलिंग की जो 2 टाइप्स हैं और उनकी फिर आगे फर्दर टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के जो टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं भी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।